हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइस, सीआरपीएफ की तरफ से कई सारी नई वैकेंसी आए, तो इस वीडियो में सारी वैकेंसी के डिटेल्स बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल में नहीं होते सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सीआरपीएफ की तरफ से ऑल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आया है, जिसमें पहला पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसमें पोस्ट है टोटल 143, अनिजब के लिए 58, ईब्रब्ल्यूएस के लिए 14, ओबीसी के लिए 39, एससी के लिए 21, एससी के लिए 11। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसमें पोस्ट है टोटल 1315, जिसमें अनिजब के लिए 532, ईडब्ल्यूएस के लिए 132, ओबीसी के लिए 355, एससी के लिए 197, एसटी के लिए 99। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं, नोट दिया गया है। तो आपका जो पोस्ट इंक्रीज भी हो सकते हैं, नहीं तो डिक्रीज भी हो सकता है। आपका जो सैलरी रहेगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पे लेवल रहेगा 5, इसमें सैलरी रहेगा 29,200 से स्टार्ट होकर 92,300 तक। और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का रहेगा पे लेवल 4, इसमें पोस्ट सैलरी रहेगा 25,500 से स्टार्ट होकर 81,100 तक। तो आपका जो एज लिमिट है 18 से 25 साल होना हो तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको एससी ओबीसी एक्स सर्विस के लिए सभी के लिए एज रिलैक्सेशन है। तो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए 12 पास, नहीं तो 10th लेवल के पास वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप लोग www.crpindia.com नहीं तो www.crpf.nic.in पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट है 4 जनवरी 2023 से स्टार्ट है, तो जाइए और अप्लाई कीजिए इस पोस्ट को। तो आपका जो लास्ट डेट रहेगा 25 जनवरी 2023 रहेगा। जो रिलीज एडमिट कार्ड होगा कंप्यूटर बेस्ड, वो आपका जो 15 फरवरी तो रिलीज होगा, और कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा वो 22 से 28 फरवरी के अंदर होगा। तो बहुत सारे डिटेल से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो आपका जो एज रिलेक्सेशन है एससी एसटी के लिए 5 साल तक, ओबीसी के लिए 3 साल तक, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल तक, और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 3 साल तक मिलेगा। बहुत सारे आप लोग एक इलेक्शन है दो चेकअप कर सकते हैं आप लोग। तो आपका जो एप्लीकेशन फीस रहेगा वो 100 रुपये रहेगा फॉर मेल कैंडिडेट्स, फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फीस रहेगा वो एग्जेम्प्टेड रहेगा, यानी नील रहेगा। तो आप लोग भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपये कार्ड, डेबिट कार्ड सभी से पे कर सकते हैं। तो आपका जो सिटी एंड सेंट्रल कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का टेस्ट होगा, जो आप लोग देख सकते हैं किसका कहां पर है, बहुत सारे यहां पर दिया गया है। असम का जैसे डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, लखीमपुर, सिलचर, तेजपुर होगा। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश लेवल होगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क का होगा, और जनरल एप्टीट्यूड रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क का। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क का, और क्वान्टिटी एप्टीट्यूड रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क का। आपका टोटल जो क्वेश्चन रहेगा 100 रहेगा, और टाइम दिया जाएगा आपको 90 मिनट। तो आपका जो स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ड्यूरेशन रहेगा 10 मिनट्स और 80 वर्ड्स पर मिनट में करना पड़ेगा। ऑन कंप्यूटर टाइम रहेगा 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स और हिंदी ऑन कंप्यूटर, और स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसमें रहेगा इंग्लिश टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, नहीं तो हिंदी टाइपिंग वर्ड मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फॉर ऑल पोस्ट के लिए, जिसमें मेल कैंडिडेट एक्सेप्टेड पोस्ट लिस्ट और एट सीरियल नंबर दिया गया है। तो हाइट रहेगा कितना, चेस्ट कितना रहेगा आप लोग देख सकते हैं।
तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले की वीडियो में।